देखो, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 पढ़ेंगे, ठीक है? आओ, कैसे हल करेंगे? देखो, 16, 17, 18 में कह रहा है, देखो 16 नंबर क्वेश्चन में, कि किसी कारण 12 खराब जो पेन है वही 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, और केवल देखकर नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा नहीं है। तो इस मिश्रण में से कोई पेन या दिचरा निकाला जाता है, तो निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता बताइए। अच्छा, देखो क्या कहा गया है, तो देख लेना। कहा ही गया है कि पूरा माने 132 अच्छे कलम है, 12 आपके खराब कलम है, सबको एक ही में मिला दिया गया। कौन कौन? जो अच्छे कलम है उसको, जो खराब कलम है उसको, सबको एक हमने क्या कर दिया, मिला दिया है। तो प्रश्न में ये कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि जब कलम अच्छा होता। तो आप जानते होंगे कि कुल पेनों की पहले संख्या क्या है, 12 है प्लस 132 है, जोड़ेंगे तो 100 क्या हो जाएगा, 44। और क्या पूछा, पूछ रहा है कि अच्छा होने की प्रायिकता बताइए। तो अच्छा होने की प्रायिकता क्या होगी, अच्छा होने की प्रायिकता होगी कि जो अच्छा कलम है उसके ऊपर लिख लो 132, और जो कुल कलम है उसको नीचे लिख लो 144, और दोनों 12 से कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा दूसरे, तो 12 से काट दो। तो 12 से जब एक, हमेशा ये रूल होता है बाबू कि हमेशा जो पूछेगा अगर खराब पूछता ना खराब, तो खराब जो 12 है 12 ऊपर लिखते, और कुल जो संख्या उसको हम लोग नीचे लिखते हैं। लेकिन जब अच्छा पूछेगा तो 132 ऊपर रखेंगे और नीचे आपको क्या रहेगा, 144। अब इसको काटेंगे, किससे काटेंगे, 12 से जब 132 को काटेंगे तो 11 बार में, अब 12 से 144 को काटेंगे तो 12 बार में, तो 11/12 आपका आंसर है। कुछ समझ में आया? ये प्रायिकता है ना, बस इतना याद रखो कि जो पूछेगा उसको ऊपर रखेंगे। जैसे अच्छा कह रहा है तो अच्छा कितने कलम इसमें है, 132 है ना, तो 132 ऊपर रख दो, कुल कितने होंगे, तो 132 में 12 जोड़ दो, माने 132 भाई अच्छे हैं, 12 खराब हैं, सब जोड़ दोगे तो 1 से क्या हो गया, 44। अब 12 से काटोगे तो 11 बार भी, 12 बार भी, तो 11/12 आपका आंसर आ जाए, ठीक है? चलो अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 17 के पास। 17 क्या कहता है बाबू, कि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है, माने पूरे आपके पास जो बल्ब की संख्या दिया है 20 दिया है, और उसमें 4 बल्ब कहाँ है, खराब है। कह रहा है कि 20 बल्बों की एक समूह में 4 बल्ब खराब हैं, तो इस समूह में से एक बल्ब को, डबल लिखा गया है, एक समूह में से एक बल्ब को यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह बल्ब खराब होगा। अच्छा चलो, पूरे 20 बल्ब हैं और इस 20 बल्ब में 4 बल्ब आपके खराब हैं, तो 16 अच्छे होंगे। तो इसमें ही कहा है कि जब माने, इसमें ही दिखा रहा है आपके कि पूरे माने बल्ब जो हैं 20 हैं, इसमें से 4 बल्ब को हम लोग निकालते हैं और चारों बल्ब खराब हैं। तो प्रश्न ही पूछा है ना कि खराब, जब बल्ब खराब होता उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो जब बल्ब खराब होता प्रायिकता, तो खराब बल्ब को ऊपर लिख देंगे 4, और कुल बल्ब नीचे लिख देंगे 20। खराब करता तो खराब ऊपर, अच्छा करता तो 16 ऊपर, तो 4/4 का आ जाएगा 20, 4 से 20 को काटेंगे 5 बार में, तो 1/5 आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें क्या सेकेंड क्या कह रहा है, सेकेंड ये कह रहा है कि मान लीजिए कि प्रश्न मान लीजिए कि एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। क्या कहा, मान लीजिए कि जो बल्ब एक में निकाला गया जो बल्ब है वह खराब नहीं है, वह कहा नहीं है बाबू, खराब नहीं है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि, देखो मान लीजिए कि एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही इसे दूसरे बल्ब के साथ मिलाया जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि खराब नहीं होगा, तब प्रायिकता। अच्छा ये बताओ, मान लो कि ये का समझाने चाह रहा है, समझो 20 बल्ब है उसमें 4 बल्ब कहाँ है, खराब है। तो जो बल्ब आपने निकाल लिया है, जैसे 4 बल्ब में से कोई ना कोई एक बल्ब तो निकालेंगे, तो जो निकाल लिए हैं वो उसको उसमें डालना नहीं है, माने मिलाना नहीं है, बस समझिए उसको उसमें मिलाना नहीं है। तो पूरा कितने बल्ब, तब कहता जो निकाल लिए उसको अब मिलाना नहीं है, तब अच्छे बल्बों की प्रायिकता बताना है। तो पहले अच्छे कितने थे, 16 थे, और उसमें से क्या किया आपने, एक खराब बल्ब को निकाल लिया,
तो कितना बच गया है आपके पास, खराब 3 बच गए हैं, बात समझ रहे हो? मैंने क्वेश्चन में कहा कि मान लीजिए कि एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, यानी अच्छा बल्ब आपने निकाल लिया, तो कितने अच्छा बल्ब बचे आप? नहीं, 15 बचेंगे ना, 16 थे, आपने अब निकाल लिया एक, निकाल के अलग रख दिया, तो क्या बचेगा आप देखो। तो इसकी प्रयोगिता पूछ रहा है, तो 15 बटा क्या होगा 19, और सुन समझो, पूरा 16 था बल्ब अच्छा, तो पूरा 16 था तो 20 लिखते, 16 बटा 20, लेकिन आप अगर आप एक निकाल कर बाहर रख देंगे तब कितना उसके अंदर बल्ब बचेगा सही 15, और जो 20 था वो कितना हो जाएगा 19, तो 15 बटा 19 आपका आंसर आ जाएगा। अब सुनो क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है कि एक पेटी में 90 डिक्स हैं, एक पेटी में 90 डिक्स हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। मान लीजिए कि कोई डिक्स है, मान छोटे छोटे चकती है, 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, 7, 8, 9, 10, 11, यही 90 तक लिखा गया है, ठीक है, कागज़ पर, मान लो कागज़ पर लिख करके 90 तक उसको रखा गया है। ठीक, प्रश्न आपसे क्या कहा है सुनो ध्यान से, प्रश्न ये कह रहा है कि देखो एक बार पढ़ते, एक पेटी में 90 डिक्स हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं, यदि इस पेटी में से एक डिक्स यदि छिड़ा निकाला जाते हैं तो इसकी प्रायोगिकता ज्ञात कीजिए। अब पहला क्या कहा है ना कि जब जब 2 अंकों की संख्या हो तब प्रायोगिकता, कितने अंक के? 2 अंकों की। जैसे अगर हम 90 तक लिखें, थोड़ा सा आपको बता दें, जब हम 90 तक लिखेंगे तो देखो 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5, 6, 7, 8, 9, एकरा बाद से जो भी लिखेंगे ना 10, 11, 89, 90, तो इसके बाद से जितने लिखेंगे 90 तक लिखा गया, मान डैश यहाँ पर जो डैश किया इसका मतलब होता है कि 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 पूरा मैंने आपको लिखना पड़ेगा। अब प्रश्न ये कहा है कि जब 2 अंकों की संख्या होता प्रायोगिकता, तो बताओ 2 अंकों का मतलब 2 अंक किसमें है? तो सुनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 का ऐसा अंक है जो क्या है 1 अंक वाला संख्या है ना, तो 9 को हटा दो 90 में से, अब बाकी जो 81 बचेगा सब 2 अंक के होगा, तो 2 अंक के कौन संख्या हो रही है 81 को, 9 को निकाल दोगे 90 में से तो 81 बचेगा ना, तो 81 बटा 90, और दोनों को आप 9 से काट दीजिए, तो 9 से 81 काटेंगे 9 बार में, 9 से 90 काटेंगे 10 बार में, 9 बटे 10 आ जाए। कहा कि जब एक पूर्ण वर्ग संख्या हो तब, पूर्ण वर्ग का मतलब कौन कौन ऐसा संख्या होगा जिसका वर्गमूल आप इसमें निकाल सकते हैं, तो देखो कौन कौन होगा, एक होगा, एक का वर्गमूल 1 होता है निकाल लेंगे, 4 होगा, 4 का 2 होता है, 9 होगा, 9 का 3, 16 होगा, 25 होगा, 36 होगा, 49 होगा, 64 होगा, 81 होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होंगे, होंगे ना इस तरीके से। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या बोल, जिसका वर्गमूल निकल जाता हो, 1 कर्णी का अंडा डालोगे तो 1 निकल जाएगा, 4 डालोगे तो 2 निकल जाएगा, 9 डालोगे तो 3 निकल जाएगा, 16 डालोगे तो 4 निकल जाएगा, 25 डालोगे तो 5 निकल जाएगा, 36 डालोगे तो 6 निकल जाएगा, 49 डालोगे तो 7 निकल जाएगा, 64 डालोगे तो 8 निकल जाएगा, 81 डालोगे तो 9 निकल जाएगा, बस समझ गए। तो जब 2 अंकों की संख्या हो तब प्रायोगिकता, तो 81 बटा 90, और जब एक पूर्ण वर्ग हो तब प्रायोगिकता 9 बटा 90, तो 1 बटा 10, और 5 से विभाज्य कोई संख्या हो तो प्रायोगिकता 81 बटा 90, जब काटोगे तो 1 बटा 5, और ये आपका कहा जाएगा। 5 से विभाज्य का मतलब कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से कट जाती है, तो 10 कट जाएगी 5 से, 15 कट जाएगा 5 से, 5 भी कट जाएगा, माने 18 की ऐसी संख्या, वैसे भी 90 में आप 5 से भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। तो ये आपका 18 तक सवाल आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है, चलो।